Hi everyone, welcome back to my channel Indian Mom Anita. Stay home, stay safe. तो आज हम बनाने वाले हैं ककम्बर थाली पीठ। यह बनाने के लिए हमने लिया है दो खीरे, बारीक सूजी, गेहूँ का आटा, चावल का आटा, हींग, अजवाइन, जीरा, हल्दी, नमक और पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिर्च, अदरक, जीरा और करी लीव्स। अभी देखिए मैंने यहाँ पे खीरे को अच्छे से कद्दूकस किया है। इसमें बारीक किया हुआ मिर्च, अदरक, जीरा और करी लीव्स का मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब हम इस पेस्ट को खीरे में अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें हमारे सूखे मसाले डाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा हींग। इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक चम्मच हल्दी। इसके बाद मैंने डाला है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप हाथ पर क्रश करके डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है आधा चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अब हमें इन सूखे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सूखे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा सा कम बारीक सूजी। सूजी से हमारे थाली पीठ में एक अच्छा सा करारापन आएगा। सूजी डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कटोरी भरकर गेहूं का आटा। अब हमें इन सबको एक साथ अच्छे से गूंदना है। गूंदने के लिए आप इसमें 2-3 चम्मच गाढ़ा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ पानी का उपयोग किया है। खीरे में पहले से ही पानी होता है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदना है। लगभग 1 से 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी का उपयोग किया है। हम इसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे और एक सेमी थिक डो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा डो रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। थाली पीठ बनाने के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच से हम थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और चम्मच से ही इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल फैलाने के लिए कर सकते हैं। चम्मच के साथ हमें इसे अच्छे से फैलाना है। यह थाली पीठ थोड़ा मोटा ही रहता है, हम इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। अब हम इसे अच्छे से रोस्ट होने देंगे। थाली पीठ एक साइड से अच्छे से पकने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से इसको पकाएंगे। देखिए अच्छे से क्रिस्पी थाली पीठ हमारा तैयार है। सुबह का नाश्ता हो या फिर बच्चों का टिफ़िन, ककम्बर थाली पीठ एक बेस्ट ऑप्शन है और हेल्दी भी। तो यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल इंडियन मॉम अनीता को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।